Hello everyone, in this video we are going to talk about the wasteland. और इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके पांचों पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं. और अगर आप लोगों ने T.S. Eliot का ये द वेस्टलैंड नहीं भी पढ़ा है और अगर आप इस शॉर्ट समरी को देख लेंगे, ठीक है, यहां पे सिर्फ आपको दो ही देखने हैं. वन ये पार्ट है आपका और दूसरा ये पार्ट है, तो आप लोगों को इसका जो पूरा एनालिसिस है, वैसे इसका मैं पूरा एनालिसिस भी डालने वाला हूँ, लेकिन एनालिसिस से पहले आप लोगों के लिए जो TGT और PGT लेवल के लिए है ना, ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और चाहे आप UGC नेट लेवल का भी इसको मानकर चल सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आप लोगों को थीम्स और इसमें कैरेक्टर्स हैं, इन दो पेजेस में ही आपको काफ़ी कुछ इसमें मैटर मिलने वाला है पांचों पार्ट्स का. सो कीप ऑन वॉचिंग. सो लेट्स डिस्कस दिस वन. फर्स्ट पार्ट आपका है इसमें द बरियल ऑफ द डेड. Guys, thank you so much for your visit to our family. We need your support and love. Please press subscribe button and bell icon. It's totally free. Good luck for your exams. Now enjoy. Dead. और दूसरा जो पार्ट है, a game of chess. इस वीडियो को आप लोग देखते जाइए और अपने नोट्स तैयार करते जाइए, क्योंकि आप लोगों को इसकी जरूरत पड़ेगी. नेक्स्ट जो इसमें है आप लोगों का थर्ड जो पार्ट है वो है गेम ऑफ चेस है. उसके बाद फायर सर्मन, डेथ बाय वाटर एंड व्हाट द थंडर सेड. अब इसमें एक एक चीज़ों के बारे में हम बात करते जाते हैं और जो इम्पोर्टेंट इसमें कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे और जो इसमें इवेंट हुए हैं, द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट्स एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स वी विल बी टॉकिंग अबाउट. सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज नैरेटर. सो यू कैन सी हियर, मैंने वहाँ उन चीज़ों को यहाँ पर कलर कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है. सो यू कैन राइट डाउन दीज थिंग्स. सो द फर्स्ट वन इज नैरेटर. एंड जो नैरेटर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलियट हिमसेल्फ समटाइम्स. ओके, वी हैव रिटन हियर परहैप्स. सो परहैप्स इट इज इलियट हिमसेल्फ. अब क्योंकि ये चेंजेस चेंजेस के साथ में चलता है, मीन्स इट इट मीन्स समटाइम्स इट इज इलियट हिमसेल्फ एंड समटाइम्स यू विल फील दैट ही इज समवन एल्स. सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स सी द होल स्टोरी. Describes the season and he tells that spring brings memory and desires, and so the narrator's memory drifts back to times in Munich, to childhood sled rides and to a possible romance with a hyacinth girl. तो यहाँ पर किस किस को उन्होंने, यहाँ पर allusions उन्होंने बहुत सारे use किए हुए हैं, ठीक है, T.S. Eliot ने. तो कौन कौन से allusion इन्होंने use किए हुए हैं उन चीज़ों को भी मैं आप लोगों को बताते जाऊँगा. तो पहला जो आपको मिल रहा है hyacinth girl. सो वो कहाँ, सबसे पहला जो उसकी मेमोरी है, नैरेटर की मेमोरी है, वो कहाँ गई सबसे पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूनिक टू चाइल्डहुड स्लेड राइड्स. द मेमोरीज ओनली गो सो फार. हाउएवर द नैरेटर इज नाउ सरेंडेड बाय द डेसोलेट लैंड फुल ऑफ स्टोनी रबिश. इसमें मैं आप लोगों को बता दूं तो 2014 में जो आया था, एक क्वेश्चन आया था कि जो द वेस्टलैंड है उस वर्क में किस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया है, तो इसमें जो आंसर था वो था लंदन ब्रिज. ऑलराइट, सो लेट्स सी ऑल द ऑप्शंस वी विल बी यू नो कलेक्टिंग हियर इन दिस शॉर्ट वीडियो एंड होपफुली इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम डेफिनेटली. सो ही रिमेंबर द फॉर्च्यून टेलर नेम्ड मैडम सोसोस्ट्रेस. तो ये कौन है मैडम सोसोस्ट्रेस, वो है फॉर्च्यून टेलर. He was a drawn Phoenician sailor and that he should fear death by water. Next, he finds himself on London Bridge. Important, London Bridge is a place surrounded by crowd, and there he spots a friend of his wartime friend and calls out him. Okay, the next section, section name is A Game of Chess. Transport the readers abruptly from the street of London. तो ये पूछा जाता है, समटाइम्स दे आस्क दैट इन गेम ऑफ चेस वेयर डज ही गो, कि कहाँ जाता है वो. तो इट वॉज फ्रॉम द स्ट्रीट ऑफ लंडन टू अ गिल्डेड ड्रॉइंग रूम. एंड ड्रॉइंग रूम में उसे कौन मिलता है, देयर वॉज विच सिट्स अ रिच ज्वेल बेडेक्ट लेडी हु कंप्लेन्स अबाउट हर नर्व्स एंड वंडर्स व्हाट टू डू. सो हर प्रॉब्लम वॉज विद नर्व्स. So you can remember. So everything I have highlighted here, you should write down in your notebook and you should write down this short summary in your diary also. Okay, pause the video and write down in your diary. And this is my humble request. Please watch online the videos and wonders what to do.
The poem drifts back, this time to a pub at closing time in which two Cockney women gossip. So it can be asked that where the Cockney women gossip. So the answer is pub at closing. You can be asked a question that in the section burial of dead, where does he go? Okay, so he drifts back to Munich to his childhood, and in Game of Chess he goes to from street of London to a gilded drawing room, and he met a jewel-backed lady there. Next part is here a crowd of people. Okay, we have gone through this. The next section is a game of chess transports the reader abruptly from the street of London to a gilded room in which sits a rich. This one, okay, we have done this one. The fire sermon. Here, in fire sermon, you can see that it opens in image of a river. So it is also a question. Okay, they can form a question here. In which part they get an image of river? So the section is the fire sermon. The narrator sits on banks and muses on the deplorable state of the world. As Tiresias, he sees a young carbuncular man hop into bed with a lone female typist. Okay, so his name was Tiresias. There was a female typist on only to aggressively make love to her and then leave without hesitation. The poem returns to river where maidens sing a song of lament. And everything is a keyword, and you can write down and you can be asked a question. Okay, he met there a typist. The name of the guy is Tiresias. Okay, he want to show the narrator muses on deplorable state of the world. Here maiden sings a song of lament, one of them crying over the loss of innocence to a similarly lustful man Tiresias. Death by water, the fourth section of the poem describes the dead Phoenician. वो जो पहले आप लोगों को फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर आप लोगों को याद हो यहाँ पर. ओके, यहाँ पर वो बताता है आप लोगों को, देयर वॉज, व्हाट इज दैट, ओके, हियर, सॉरी, आई हैव गॉट इट हियर. सो ही वॉज ड्राउन फिनिशियन सेलर. ठीक है, इसी के बारे में वो यहाँ पर आप लोगों को बता रहा है. डेथ बाय वाटर में द फोर्थ सेक्शन ऑफ द पोएम डिस्क्राइब्स अ डेड फिनिशियन, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, अभी मैंने आपको बताया. इन द वाटर परहैप्स द सेम ड्रॉन सेलर ऑफ हुम मैडम सोसोस्ट्रिस स्पोक. ओके, व्हाट द थंडर सेड शिफ्ट्स लोकल फ्रॉम द सी टू रॉक्स द माउंटेन द नैरेटर क्राइज फॉर रेन एंड इट फाइनली कम्स द थंडर दैट अकंपनीज इट अशर्स in the three-pronged dictum sprung from the Brihad Narayaka Upanishad, Datta Dayadhavam Damayanta, to give, to sympathize, to control. So, aap log ye bhi likh sakte hain ki what are the meanings of these words. Okay, Datta Dayadhavam and Damayanta. With these commandments, benediction is possible despite the collapse of civilization that is underway. London Bridge is falling down. So here are the important parts and about the short description. But in short description, you will get the characters and the description also. So I will be making a big analysis video on this topic. If you like the video and if you share the video, if I get views on this topic, I'll definitely take this topic and I will analysis this video. Full. So thank you for watching. Please don't forget to like share and comment. All right, and in next video I'll be making the full analysis. Bye bye, take care, visit tomorrow the channel.